उनको मना नहीं करती, लेकिन सारे बैंक जितने बैंक हैं वो कहते हैं हम तो इस्लामी तरीके पर तंबील करेंगे, इस्लामी तौर पर हम डिपॉजिट लेंगे, इस्लामी तौर पर ही तंबील करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे। तो सिर्फ कानून से तो हर चीज हल नहीं होती, खुद अमल से बहुत सी चीजें हल हो जाती। तो एक गुजारिश तो मुझे ये करनी थी, इस अफसोस है कि मैं आपकी समक्ष राशि कर रहा हूं, लेकिन पहली गुजारिश तो मुझे ये करनी है कि देखिए हमें हर कीमत पर मगरिब की गुलामी से निकलना है। इस मगरिब की गुलामी से निकलने के लिए आप हजरात एक अपना थिंक टैंक बनाएं, ग्रुप बनाएं, कोई ऐसी कमेटी बनाएं कि जिसमें आप बैठकर इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें अपने मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए, अपने मुल्क को इस मुसीबत से निकालने के लिए। पाकिस्तानियत को फरोग दें, पाकिस्तानियत को फरोग दें। हमारे निजाम तालीम के अंदर, हमारे निजाम तालीम में ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो बच्चा उस निजाम तालीम से निकलता है वो मगरिब का गुलाम बनकर निकलता है, वो उर्दू बोलने को तौहीन समझता है, अंग्रेजी बोलने को फख्र समझता है। ये जो जहनियत पैदा हो गई है मगरिब की गुलामी की, इस गुलामी की जहनियत को खत्म करने के लिए इकदाम किए जाएं, एक बात। दूसरी बात यह है, ये तो मैंने अमली नौयत की बातें की हैं इस तरह की कि मौजूदा हालात में किस तरीके से हम इस बहरान से निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात को हम कभी फरामोश ना करें वो ये कि हम चूंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम जो है वो तिजारत को भी इबादत कहता है, इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। रबीए करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि ताजिर सदूकुल अमीन मअल नबियीन वस्सिद्दीकीन वस्सुहदाए वस्सालिहीन यौमल क़ियामा। वो ताजिर जो सच्चा हो, अमानतदार हो, वो क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शुहादा के साथ और सालिहीन के साथ उठा जाएगा। इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी बशारत एक ताजिर, एक मुसलमान ताजिर के लिए कुछ और नहीं हो सकती कि सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें कयामत के दिन हम अंबिया के सब में खड़े हो गए, तुम सिद्दीकीन के सब में खड़े हो गए, तुम शुहादा और सालिहीन के सब में खड़े हो गए। लिहाजा तजारत महज एक दुनियावी काम नहीं है, यह एक इबादत है। इबादत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है। और हदीस में आता है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के करीब बैठे हुए थे कि एक साहब आए और उन्होंने आकर कहा कि आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपके साथ तिजारत किया करता था। तो उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे जो साहब आए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मुझे याद है कि तुम मेरे शरीक थे। कहा कि आप ऐसे शरीक थे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई शरीक पाया नहीं, ला तुदारी वला तुमारी। आपने कभी सही बात के अंदर कोई रियायत नहीं की, मुदाहरत नहीं की, और कभी आपने कोई मेरे मामले के अंदर कोई अदना मेरे लिए कोई नागवार सूरत पैदा नहीं की। सरकार जो आलम सलाफे में तजारत की है और ये बसीरत दी। आप फरमाने थे ना अभी के जो ब्रांड हमारे जो बनते हैं तो उसके अंदर हमें वहां से हिदायत आती है, ये दरहकीकत हिदायत तो आप खुद ही फरमा रहे थे कि ये हिदायत तो दरहकीकत हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। देखिए मगरिब की, यानी बरतानिया की बात कर रहा हूं मैं, बरतानिया की का कानून जो हम पर इस वक्त पाकिस्तान में हमारे ऊपर मुसल्लत है, उसका उसूल यह है कैवियट एम्प्टोर, कैवियट एम्प्टोर मुश्तरी होशियार बाश, यानी मुश्तरी को चाहिए, खरीदार को चाहिए कि वो खुद देखभाल के लिए, बेचने वाले की जिम्मेदारी नहीं है
कि वो बताए कि इसमें कोई ऐब है या खराबी है। ये बरतानवी तस्वुर, अंग्रेजी तस्वुर है। कैबिनेट एम्पायर का कानून है कि एम्पायर यानी खरीदने वाला, उसको चाहिए तुम आगाह रहो, होशियार रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना हो जाए। बाय की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये कहे कि मेरी ये चीज अच्छी है या बुरी है, इसमें फला ऐब है। यह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यह है कि जो शख्स कोई ऐसी चीज बेचे जिसके अंदर कोई ऐब हो तो वो कयामत तक अल्लाह के गजब में रहेगा। जो ऐब की चीज बेचे और ऐब पर मुतनब्बे न करे वो कयामत तक अल्लाह के गजब में रहेगा। यह है तालीम इस्लाम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्जूक, यानी जो शख्स बाजार में सप्लाई बढ़ाता है, अशिया की सप्लाई बढ़ाता है, उस पर अल्लाह की तरफ से रिस्क दिया जाता है। वो मुफ्तकिर मलऊन, और जो जखीरा अंदोजी करता है वो मलऊन है, उस पर लानत है अल्लाह तबारक व तआला। ये सारे उसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आता फरमाए हुए हैं। तो इसलिए हम अपने तरफ से ये कोशिश करें कि ये हम सिर्फ तिजारत नहीं कर रहे, दुनियावी रोजगार के तौर पर नहीं कर रहे, बल्कि एक इबादत कर रहे हैं। और वह इबादत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने मुल्क को, अपनी मिल्लत को, अपने कौम को हम गुलामी से निजात दिलवाएं। इसके लिए आप हजरात अगर एक थिंक टैंक बनाएं और अगर उसमें हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो हम उसके लिए हाजिर हैं। दूसरी गुजारिश जो मैं, चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं कि आप हजरात का काफी वक्त ले रहा हूं। तो दूसरी बात ये, और वो भी दर हकीकत हम सब की जरूरत है, वो है फलस्तीन का मसला। फलस्तीन मैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता कि मैं फलस्तीन के बारे में बात ना करूँ। ये भी उसी गुलामी का एक हिस्सा है जिसका मैं रोना रो रहा हूँ आपके सामने, कि इस वक्त मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं 38,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। कल आलमी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया है कि इसराइल जो है वह बिल्कुल नाजायज रियासत है। अक़्वामे मुत्तहिदा की करारदादें आ चुकी हैं और उसके बावजूद वो रोज खुदबारी कर रहा है शहरों पर, हस्पतालों पर, स्कूलों पर, बच्चों पर, औरतों पर जुल्म और सितम का एक पहाड़ उसने तोड़े हुए। उस के मुकाबले में आप देखिए हम क्या, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लामी ममालिक की एक जंजीर है, एक दूसरे से मिली हुई, कड़े से कड़ा मिला हुआ, मराकश से इंडोनेशिया तक, और सब ये नजारा देख रहे हैं कि मुसलमान औरतों को, बच्चों को, नौजायदा बच्चों को, अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई अमल इकदाम करने को तैयार नहीं। जबानी तौर पर भी मजम्मत करना, यह भी जबान को तौफीक नहीं हो रही, कम अज कम मजम्मत ही कर दे इंसान। क्यों? इसलिए कि हम सब गुलाम हैं। पराकट से लेकर इंडोनेशिया तक पूरा किता कतई जमीन जो बीचों बीच वाक़ है दुनिया के, जिसके पास शाहराहे हैं, अगर आप गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो मुसलमान है बहसते कम्युनिटी, मुसलमान जो है वो कभी भी इतना दौलतमंद और इतना बावसीला नहीं रहा जितना आज। तेल इनके पास है, गैस इनके पास है, दुनिया की दौलत इनके पास है, और दुनिया की अजीम तरीन शाहराहें इनके पास हैं, स्वेज इनके पास है,
बाखोरस इनके पास है, खलील आदम बाबुल मंदब इनके पास है, जबल तारिक इनके पास है, अपने हुरमुज इनके पास है, सारी अहम चारा है जो दुनिया की है, जो नाके हैं जिनके जरिए दुनिया का नाके का बंद किया जा सकता है वो इनके पास है, लेकिन गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। गुलामी क्या के चूंकि इसराइल को अमरीका की पुष्पनाई हासिल है लिहाजा उसके खिलाफ कोई जुमला बोलना भी कयामत हो गया है, उसके कोई मदद करना तो दरकिनार, वो ऐसा हो गया जैसे कि ये कोई गुनाह किया जा रहा है, कोई जुर्म किया जा रहा है। मुस्लिम मुल्कों में उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो फलस्तीन की आजादी का नारा लगाते हैं। आप तो बगैर बाकी में मैं क्या उसकी तफसील में जाऊं, ये क्यों हो रहा है कि हम गुलाम बन गए हैं, मगरिब के गुलाम बन गए हैं, उस मगरिब के जिसने हमें धोखा देकर तकसीम किया है। यह खिलाफत उस्मानिया जो किसी वक्त कायम थी उस में अपनी जरूर कुछ ना कुछ कमजोरियां भी थी, लेकिन उसने बरतानिया ने, तारीख अगर आप पढ़े तो बरतानिया ने अरब उलमा को यह बहकाया कि भाई ये तुर्की लोगों ने अपनी खिलाफत कायम कर रखी है, इस्लाम के ठेकेदार तो आप हैं अरब लोग, लिहाजा खिलाफत आपकी कायम होनी चाहिए। तो बड़े बड़े उलमा मुफ्ती अब्दुहू जमालुद्दीन अफगानी और पता नहीं बड़े बड़े जो वो इस धोखे में आ गए, उन्होंने कहा आप हमें आप एक मरतबा उनसे अलहदा हो, हम आपको पूरी खिलाफत कायम करके देंगे अरबी खिलाफत। वो वादा किया, वादा करने के बाद उस बरतानिया ने जब जंगे अजीम हुई दूसरी जंग अजीम तो उसमें बरतानिया गालिब आ गया, तो सारे वादों से फिरकर हर एक को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया, ये उर्दू है, ये लबनान है, ये सूर्या है, ये मिस्र है, ये इराक है, और बांटकर उनको अपने अपना जैर दस्त बना लिया। सब गुलाम है ये, और ये खलीज की रियासत है आप देख लीजिए, सारी दौलत इनके पास है, लेकिन चूंकि अमरीकी अड्डे वहां पर कायम है लिहाजा वो क्यों नहीं कर सकते, वहां पर अगर कोई शख्स नाम ले फिलिस्तीन की आजादी का उसकी जगह जेल होती है, ये सूरत हाल हो रही। तो इस सूरत हाल पर भी देखें जमाना हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, मेरा दिल ये कहता है कि ये तारीखी लम्हा है फिलिस्तीन के मामले का, ये एक ऐसा तारीखी लम्हा है जिसे नाउ और नेवर जिसे कहा जाता है, ये इससे अगर फायदा उठा लिया गया, उम्मत मुस्लिमा इससे फायदा उठा ले तो हमेशा के लिए गुलामी का जीवा उतार सकती है, हमेशा के लिए गुलामी से को खत्म कर सकती है, और अगर इसने इस मौके से फायदा न उठाया तो इसराइल को याद रखिए, इसराइल का ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो मदीना मुनव्वरा तक पहुंचता है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर अगर इसराइल कामयाब हो जाता है तो ये छोटी छोटी रियासतें जो मगन है अपनी अय्याशियों के अंदर ये कायम नहीं रहेंगी, इनको पानी फिर जाएगा, लिहाजा ये एक तारीखी लम्हा है। इस तारीखी लम्हे में जरूरत है कि मुसलमान बेदार हो, हुकूमतों को छोड़ दीजिए जो काम हुकूमतों के, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि हुकूमतों के गले में तो गुलामी के फंदे पड़े हुए हैं, लेकिन हम आज मुसलमान की हैसियत से, आम मुसलमान की हैसियत से ये हमारा फर्ज है कि हम इसके बारे में भी कुछ सोचें। और मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि एक आप कि हर शोबे जिंदगी के लोगों को अपने अपने शोबे जिंदगी के अंदर इस कॉज के लिए क्या कर सकते हैं उसका एक प्रोग्राम बना दें, तो आपकी एक कमेटी, आपका एक ग्रुप या आपका एक नुमाइंदा तंजीम ऐसी हो जो इस मौजू पर गौर करे। मसलन ये ताजिर बिरादरी दूसरे मुल्कों में जाकर वफूद भेजे, अपनी हुकूमत के पास वफूद भेजे, उनसे बात करें और फलस्तीन के मजलूमों के लिए इमदाद के लिए कोई मुनज्जम
ऐसा इंतजाम करे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमदाद बहुत पहुंच रही है लेकिन वो पहुंचने दी नहीं जा रही, तो उसके रास्ते से हम किस तरह रुकावटें खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में अगर जाना पड़े मुख्तलिफ मालिक के अंदर तो उसका भी दौरा किया जाए और वो दौरा करके इसके इनके मसाइल को हल किया जाए। खुलासा में मेरी गुजारिशात का ये है कि हम एक मरतबा ये तय कर लें कि हमें गुलामी से निकलना है, ये तय कर लें। ताजिर बिरादरी आपस ये आपस में तय कर लें कि हमें गुलामी से निकलना है। हमें हर चीज में ये नहीं देखना कि मगरिब खुश होगा या नाराज होगा, हमें अपने अकदार को अपने उसूलों को हमें अपने नाफिज करना है। एक मुसलमान ताजिर कह सकते हैं कि इबादत समझकर अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खातिर ये काम करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने यह साफ साफ कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की मदद कौन करेगा, मतलब यह कि अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के भेजे हुए निजाम की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे अता करेगा। ये काम हमारे काम है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और एक गुजारिश आखिर में यह करता हूं, जो मुसलमान के लिए है और वो ये कि सुबह को जब इंसान बेदार हो और नमाज फजर अदा करे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अदा करे, तो बाद चंद मिनट के लिए अल्लाह ताला से एक मुआहदा करे, या अल्लाह मैं आज के दिन शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये दिन आपकी खुशनूदी के मुताबिक हो जाए, आपकी रिजा के मुताबिक, इसमें मुझसे कोई बदगुमानी ना हो और मैं आपकी रजा के मुताबिक गुजारूं, तो अल्लाह मैं अहद करता हूं, अपनी तरफ से इरादा करता हूं, पक्का इरादा करता, इस इरादे पर मैं कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपकी तौफीक सामने हाल, तो मैं आपसे तौफीक मांगता हूं कि मैं अपने दिन का अपना जो है दिन आपके रजा के मुताबिक गुजारूं। और साथ में ये इजाफा कर लें हम लोग, या अल्लाह कुछ ऐसा तरीका हमें सुझा दीजिए कि जिससे हम गैरों की गुलामी से आजाद हो जाए। ये सुबह को दो मिनट का काम है, दो तीन मिनट का, अगर कुरान करीम की थोड़ी सी तिलावत हो जाए तो सुभान अल्लाह, और उसके साथ बड़ी दुआ, सारा दिन फिर जरा जहन में रहे कि मैंने यह अहद किया था, और फिर रात को सोने से पहले फिर दो मिनट, या अल्लाह मैंने आज सुबह आपसे ऐद किया था और साथ ही आपसे तौफीक मांगी थी कि मैं आपकी रजा के मुताबिक जिंदगी करूँ, आपकी रजा मुताबिक दिन गुजारूं, तो पता नहीं मैं कहाँ बहका, कहाँ भटका, आप जहाँ कहीं मैं बहका हूँ, जहाँ मैं भटका हूँ, अल्लाह उस पर मैं माफ़ करना चाहता हूँ, इस्तग़फ़ार में। सुबह को वादा, शाम को तौबा, रात को तौबा, यह अमल हर इंसान इस बात उस सारे पसमंजर को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज किया कि गुलामी से निकलना है, तो ये करके करे तो इंशाअल्लाह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बेयासर छोड़ दे, बेयारो मददगार छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला कि रहमत से पूरी उम्मीद नहीं, यकीन है कि वो इंशाल्लाह हमें निकालेगा इस मुसीबत से। मायूसी को पास न फटकने दें, मायूसी काफिर की बात है, इंसान मुसलमान का काम वो मायूस होना नहीं है, अपने हद तक वो आखिर दम तक वो काम करता रहे। हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत कायम होने लगे, बिल्कुल कयामत सामने आ गई, तब भी अगर कोई शख्स अपना पौधा लगा रहा है कहीं, वो पौधा लगा ले
मैंने सोचा क्यामत तो आ रही है, अब क्या लगाऊं पौधे, वो पौधा लगा ले, अगर क्यामत आंखों से सामने आते हुए देख रही है तब भी पौधा लगा ले। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ये सिखाया है कि तुम्हें तुम्हारा आम काम करना है, नतीजे तो अल्लाह के हाथ में है, और नतीजे अगर तुम सही तरीके से करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह हज़रत, बहुत ही